हाँ ये देखो उस दिन जो है वो टाइप्स ऑफ ड्रग नहीं हम बता पाए थे, तो तुम्हारा मोर और लेस जो है वो ड्रग को जो है उसका जो सोर्स होता है तुम्हारा डिफरेंट ड्रग्स का, और हमने ये भी बताया था कि हर ड्रग्स का जो है ना काम क्या होता है अलग अलग होता है तुम्हारा, ठीक है। कोई सेडेटिव होता है तुम्हारा, कोई तुम्हारा स्टिमुलेंट होता है, कोई तुम्हारा पेन रिलीवर होता है। तो मोर और लेस तुम्हारा जितने भी ड्रग्स इस माने ये नेचर में पाया जाता है उसको चार ग्रुप में तुम्हारा बांटा है तुम्हारा। तो सबसे पहला देखो ओ5 होता है तुम्हारा, OPIOIDF, ओ5s, ठीक है। तो ये ओ5 इसी को हफीम कहा जाता है, माने कॉमन सेंस में इस ये जो प्लांट होता है तुम्हारा ये इसको हफीम पौधा भी कहा जाता है। और देखो नेचर भी जो क्या क्या करता है, ये हफीम की खेती अपने यहाँ नहीं भारत में नहीं होता है, ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा इसकी खेती होता है तुम्हारा अफगानिस्तान में, ठीक है। और आप लोग सुने होंगे, और वो आप कभी कभी नहीं सुनते हो तालिबान, अफगानिस्तान क्या है तुम्हारा एक छोटा सा कंट्री है आपका, और क्या है हिली एरिया, तो वो उसका जो माने ग्रोथ रेट है बहुत ही पुअर है, लेकिन वहां पे टेररिस्ट सबसे ज्यादा है तुम्हारा, और वो तालिबान जो होता है। तो कहा जाता है कि उसको पैसा कहाँ से आता है, तो बहुत आदमी के दिमाग में रहता है कि अदर कंट्री वाला उसको पैसा देता है वो हथियार पे, नहीं वो एक्चुअली क्या होता है वही हफीम की खेती करता है, ठीक है। और उसी हफीम से तुम्हारा क्या होता है ड्रग का फॉर्मेशन करता है, और वो ड्रग क्या करता है विदेश भेजता है, जिससे उससे करोड़ों रुपया की कमाई होती है, और उसी पैसे से क्या करता है आपका वो हथियार बम जो भी है जो खरीदता है खरीदी। तो ये उपाय जो हफीम होता है उसी का ये बोटेनिकल नेम होता है तुम्हारा पापावर सोमनीफेरा, ठीक है। जनरली कॉमनली उसको कहा जाता है पॉपिन प्लांट, ये इसका फ्लावर इतना अच्छा खूबसूरत देखने में तुमको लगेगा, ये डिफरेंट कलर का इस तरीके का इसका फ्लावर होता है, ठीक है। और यही फ्लावर जब मेच्योर होता है इसमें पप बनता है इस तरीके से बॉल टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ देखो उसी बॉल में क्या होता है तुम्हारा कि उसको थोड़ा सा कट किया जाता है, तो उस कट से क्या होता है तुम्हारा मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसी मिल्क को आप लेटेक्स भी कह सकते हो, लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट या मिल्क ऑफ द पॉपी प्लांट्स, तो उसी मिल्क या लेटेक्स को जो है तुम्हारा कहा जाता है ओफियम। देखो यहाँ पर ये एक कंटेनर रखा हुआ है, इससे ये क्या होता है निस्ता है सिक्रीट होता है और यहाँ पर स्टोर करता है, तो उसी को ओफियम कहा जाता है। देखो तो ये ओफियम जो होता है तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होता है, अब उस ओफियम को क्या करता है रिफाइन करता है तुम्हारा, और रिफाइन से जो बनता है उसी को मॉर्फिन कहा जाता है। और ये मॉर्फिन तुम्हारा ऐसे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है पेन रिलीवर में, इसीलिए उसका देखो उसका नाम कहा जाता है एनाल्जेसिक, ठीक है। वो पेन रिलीवर में आपका यूज होता है एज ए मेडिसिन, लेकिन अगर उसका एक्सेस अगर डोज लेते हो तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो इसी मॉर्फिन को क्या करता है एसिटाइलेशन किया जाता है। एसिटाइलेशन का मतलब क्या होगा, एसिटिलीन सवादी परे हो गए, ये कीटोन ग्रुप होता है हमारा, तो इसमें दो कीटोन ग्रुप को क्या करता है मिक्सिंग किया जाता है, जिसके चलते जो जो सब्सटेंस नया बनता है ये सब सिंथेटिक होते जा रहा है, उसी को हीरोइन या एस्मेक कहा जाता है, हीरोइन या एस्मेक, ठीक है। अब ये हीरोइन और एस्मेक जो होता है तुम्हारा क्या होता है व्हाइट होता है, बिटर टेस्ट होता है, ओडरलेस होता है तुम्हारा, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसी को लोग यूज जो है तुम्हारा एज ए ड्रग एडिक्टेड में किया जाता है तुम्हारा, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर लो रेंज में अगर इसको यूज करते हो तो ऐसे मेडिसिन हो जाएगा, वो ड्रग एब्यूज नहीं हो जाएगा तुम्हारा, तो जनरली तुम्हारा पेन रिलीवर में किया जाता है, ठीक है। और अगर एक्सेस अगर यूज करते हो तो क्या होता है स्टिमुलेट होता है आपके नर्वस सिस्टम को, स्टिमुलेट करता है, और आपके बॉडी में जो ओफाइन रिसेप्टर्स होता है तुम्हारा, क्योंकि आपके बॉडी में हर चीज जो भी आप ड्रग लेते हो उसका रिसेप्टर होता है, और वो रिसेप्टर पर जाके तब उसको एक्टिवेट करता है, जिसके चलते आप जो भी उसका माने पर्पस होता है वो पूरा करता है। तो आपके बॉडी में वो फाइव रिसेप्टर तुम्हारा दो जगह होता है, एक होता है तुम्हारा ब्रेन में, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसीलिए देखो कि इसको दो तरह से एक इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है, और एक क्या बोलते हैं उसको खींचता है वो रख दिया केवल पे एक पाइप के द्वारा नाक से खींचता है, उसी को कहा जाता है स्नोरोटी, SNORTING, स्नोटिंग या इंजेक्शन, ये दो मेथड है आपका, ये हीरोइन या आपका क्या बोलो उसको स्मैक बोलो जो व्हाट एवर यू टर्म यूज उस तरीके से इसका यूज किया जाता है, क्लियर है। अब देखिए
दूसरा है तुम्हारा केना बुनाइट। अब आ जाओ इंडिया में देख लो शंकर भगवान का प्रसादी, सब आदमी नाम सुने होंगे, भांग का पौधा सुना है? जनरली देखो कि भांग का पौधा जो है ये लंबा होता है, तुम्हारा वीडियो जाते उसका माने ब्रांचेस नहीं होता है, उसमें लीफ देखोगे इस तरीके से लीफ होता है तुम्हारा, ठीक है? इसी लीफ को सुखा के जो है ना तुम्हारा वो यूज किया जाता है। देख लो ये केना हुआ, ये जो भांग का पौधा उसका जो है बोटेनिकल नेम है कैनाबिनिस सटाइवा, ठीक है? और इसका जो रिसेप्टर होता है तुम्हारा ब्रेन में होता है। अब यहाँ पर देख लो क्या होता है, इस भांग के पौधा का हर पार्ट का यूज किया जाता है, इसके लीफ का भी यूज किया जाता है। जनरली देखोगे वो होली उली पर्व आता है, लोग तुम्हारा उस लीफ को क्या करता है, इसके दूध में मिला के पीता है आपका, ठीक है? उसी तरीके से देखोगे आप इसका यूज जो है तुम्हारा, आप देख लो ये मरीजुना यूज हो गया, चरस हो गया तुम्हारा, गांजा हो गया, हसीस हो गया तुम्हारा, भांग हो गया। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म जो देख रहे हो, तो क्या होता है कि तुम्हारा ये भांग के पौधा में तुम्हारा मेल प्लांट भी होता है, फीमेल भी होता है। तो जनरली फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का जो है अगर यूज करोगे तो उसी से तुम्हारा बनता है हसीस या चरस बनता है, ठीक है? तो ये स्टिमुलेट होता है तुम्हारा, ये क्या करता है इमेजिनरी काल्पनिक दुनिया में ले जाता है तुम्हारा, ठीक है? और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है तुम्हारा वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे पड़ता है, जिसके चलते क्या होता है आपका हॉट बीट बढ़ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। और इसका लेने का तरीका दो तरीका है तुम्हारा, इनहेलेशन और या इंजाइजेशन, खाया भी जाता है या इनहेल भी किया जाता है इसको, इनहेल या तो स्मोक, जैसे सुने होंगे गांजा, गांजा को क्या करता जला के जैसे वो उसी पे स्मोकिंग करते उस तरीके से इनहेल किया जाता है, ठीक है? तीसरा देखो कोका अल्कोहल, सब आदमी नाम सुने हो के कोकी, ये जो कोको कोला जो पीते हो आपका कोको कोला, यही यहीं से वर्ड आया। अब देखो ये जो कोका अल्कोहल जो होता है इसका जो प्लांट होता है, देखो आप फिर कहां पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है? शुरू में जो तुम्हारा कोको कोला आया था तो ये कोकिन का उसमें थोड़ा सा मात्रा दिया जाता था, जिसके चलते क्योंकि ये स्टिमुलेट होता है तुम्हारा, तो आदमी क्या होता था थोड़ा एनर्जी को हो जाता था, थोड़ा एनर्जेटिक तुम्हारा हो जाता था, और यूफेरिया थोड़ा सा हैप्पीनेस, जिसे जनरली देखोगे ये क्या तुम्हारा स्टिमुलेट है आपका, जिसे ये कोका अल्कोहल आप अपने घर में भी पीते हो, जैसे टी हो गया तुम्हारा या कॉफी हो गया, सवाल ही परे होगी टी में क्या होता है टैनिन होता है तुम्हारा, तो वो भी स्टिमुलेट है लेकिन वो माइल्ड है आपका, तो वो अब ये नहीं कि कोई घर में, हाँ लेकिन अगर कोई आदमी अगर फ्रीक्वेंटली अगर यूज करता है आइदर वो टी या कॉफी का, तो दे हैव द एडवर्स इफेक्ट। तो देखोगे बहुत आदमी क्या होता है एडिक्टेड हो जाता है, लेकिन उसमें जो वो टैनिन होता है तुम्हारा, वो माइल्ड होता है, तो वो उतना एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये साउथ अफ्रीका में ये प्लांट पाया जाता है, तो उसी प्लांट को बायोलॉजिकल नेम है तुम्हारा एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रो जाइलम कोका, ठीक है? और ये स्टिमुलेंट होता है तुम्हारा, और ये देखो क्या होता है कि अगर इसका क्वांटिटी अगर ज्यादा ले लोगे तुम्हारा, तो क्या होता है तुम्हारा एक डिजीज, इसको डिजीज नहीं बोलो, ये निगेटिव वर्ड है यूफेरिया, यूफेरिया का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल हैप्पीनेस, और आपके बॉडी में क्या होता है एनर्जी बढ़ा देता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझो, ये दो तरह से यूफेरिया होता है तुम्हारा, एक नेचुरल भी होता है और एक तुम्हारा इसके द्वारा होता है, ये कोकीन लेने से होता है। क्या होता है आपके बॉडी में कि जो भी नर्व सेल होता है तुम्हारा, उस नर्व सेल में क्या होता है, एक होता है तुम्हारा डोपामाइन, ये केमिकल होता है रिसेप्टर। तो क्या होता है जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझो पूरा। अब जैसे सपोज करो क्लास में मैं किसी बच्चे का बहुत ज्यादा उसका क्या बोलते हैं उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा हमने किया, नहीं ये लड़का क्लास में सबसे अच्छा है, ये फलना है चिलना है, अब वो देखोगे धीरे धीरे क्या होता है कि वो लड़का इतना ना हैप्पीनेस हो जाता है और एनर्जेटिक देखोगे कूदना शुरू कर देता है। क्या होता है उस सिचुएशन में कि जैसे जैसे हम आपका माने अच्छाई बताते जा रहे हैं, तो क्या होता है वो जो वर्ड जो है आपके उस पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम को न्यूरल सेल को एक्टिवेट करता है, और उसी एक्टिवेशन से क्या होता है डोपामिन, देखो यहाँ पर ये केमिकल होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और वो डोपामिन क्या होता है बाहर आता है नर्व सेल से। तो जब तक ये बाहर रहेगा तब तक क्या होगा वो हैप्पीनेस और आपको एनर्जेटिक बनाया रहता है, ठीक है? धीरे धीरे क्या होता है कि
उसी डोपामीन को रिसीव करने के लिए, वो ट्रांसपोर्टर होता है तुम्हारा, उसी नर्व सेल पे होता है डोपामीन ट्रांसपोर्टर, तो वो क्या करता है उस डोपामीन को रिसीव कर लेता है। तो जैसे वो डोपामीन खत्म होगा तो फिर आप अपने ओरिजिनल दुनिया में चले आते, ठीक है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, वो जो क्षणिक आधा घंटा एक घंटा के लिए जो आप खुश हुए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मान लो अगर आप यूज कोकीन का करते हो, अब ईवी लो, ईवी कोकीन क्या करता है, तुम्हारा स्टिमुलेंट है, हमने क्या बोला यूफेरिया, यूफेरिया का मतलब क्या हुआ, ज्यादा खुश होना, एक्सेस खुश हो जाते हो आप, तो ये क्या करता है, ये कोकीन क्या होता है, ये जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर होता है यहीं पे आके ये बैठ जाता है। अब इसके इस कोकीन के बैठने से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो डोपामिन है उसको ये ट्रैक नहीं कर पाता है, तो डोपामिन जब तक आपके शरीर में रहेगा आप क्या रखोगे, एकदम एक्सटर्नल हैप्पीनेस आप में रहेगा, आप क्या रखोगे, ये आप एकदम एनर्जेटिक पर्सन बना रहता है, ठीक है। तो वो भी एक्सेस हैप्पीनेस और एक्सेस एनर्जेटिक तो है, वो भी क्या होता है आपका एक पास इफेक्ट होता है, क्लियर हुए। तो ये आपका उसी तरीके से देखोगे आजकल ये धतूरा आ गया है तुम्हारा, धतूरा का सीड्स का देखोगे यूज आपको किया जाता है, वो हेलुसिन में वो इमेजिनरी दुनिया में जाते हो, उसी तरीके से नाम सुने होंगे हेलोट्रोपा बेलाडीना जो आंख में भी रखा जाता है, तो कुछ और भी प्लांट्स है जो आपके एनसीईआरटी में देखोगे लास्ट में दिया रहता है। इस तरीके से आपको इसमें सिर्फ पढ़ना क्या था कि उस प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या और रिसेप्टर कहां कहां पे है, ठीक है। ये यूफेरिया समझ में आया सबको, आगे बढ़े, हेलो ये देखो, थोड़ा सा आप लोगों को ये पढ़ना था, ये व्यूज क्या, एडिक्स जनरली देखो कि ये ड्रग ये व्यूज या ड्रग एडिक्शन जो आता है तुम्हारा, तो खास करके एक माने ग्रुप ऑफ एज होता है तुम्हारा, तो देखो कि ये 12 ईयर से लेके 18 ईयर ये बीच में जो चाइल्ड बच्चा होता है उसी के बीच में देखो कि ये ड्रग एब्यूज या एडिक्टेड पर्सन होता है, चाहे वो पर्सन क्या होता है, वो मूव टुवर्ड्स द अल्कोहल या दे मूव टुवर्ड्स द ड्रग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम इसी ग्रुप के बच्चे क्यों ज्यादा एडिक्ट होता है, ठीक है, और इसी फेज को ये 12 ईयर से लेके 18 ईयर के फेज को कहा जाता है एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस का मतलब हुआ क्या कि आपका चाइल्डहुड खत्म हुआ और उसके बाद जो एज स्टार्ट होता है तुम्हारा कब तक अप टू द 18 ईयर, उसी को एडोलेसेंस कहा जाता है तुम्हारा। तो जनरली ये होता है तुम्हारा, देख लो ये प्यूबर्टी, आप पढ़े हो प्यूबर्टी रिप्रोडक्शन में मोर और लेस तुम्हारा कब से स्टार्ट होता है 12 ईयर, माने 10 से लेके 12 ईयर, ठीक है, और प्यूबर्टी से लेके देख लो क्या होता है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी का। तो ये जनरली तुम्हारा जो एज होता है 12 ईयर से लेके 18 ईयर तक, ठीक है। अब देखो इस ईयर इस ये एडोलेसेंस में क्या होता है तुम्हारा सबसे बड़ा जो कैरेक्टर जो डेवलप एक्चुअली क्या होता है इस डेवलपमेंट में आपका हर चीज में चेंज होगा, आपके फिजिक में फिजिकल चेंज होगा, आपका मेंटल चेंज होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, आपका साइकोलॉजिकल हर चीज आपके बॉडी में हर चीज में चेंज आता है। और उस चेंज के चलते क्या होता है एक सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर आता है तुम्हारा ये देखो इंडिपेंडेंस, बड़ी खतरनाक चीज है। इस एज में सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर आता है तुम्हारा इंडिपेंडेंस, माने अब इस एज के ग्रुप का जो एक टेंडेंसी होता है तुम्हारा कि वो माने वो नहीं चाहता कि मैं किसी पे निर्भर रहूं, अब वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन खोजता है, हर चीज में वो चाहता है कि मेरी भी इंपोर्टेंस होना चाहिए,
एक तुम्हारा क्या आता है, अब देखो इसी इंडिपेंडेंस के चलते एक आता है तुम्हारा इंपोर्टेंस। अब यहां पर देखो इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, इस एज ग्रुप में तो वो फील होता है, जैसे आप क्लास में, अब मान लो क्लास में कोई बच्चा मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा है, टीचर मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई इंपोर्टेंस नहीं है। अब अगर उस अब जैसे फैमिली में है, फैमिली में कोई भी अगर बात होती है तो उसमें मेरे को कोई नहीं कुछ पूछता है, फैमिली में हम मेरा मेरी बात को हर आदमी काट देता है। अब उसी के इस इंडिपेंडेंस के चलते क्या होता है, वो आदमी एस्केप करता है तुम्हारा, ठीक है। अब जब ये एस्केप करेगा तुम्हारा, यानी कहने का मतलब एक चीज भी आता है कि आप हर चीज में फेल होते जा रहे हो, फैमिली रिलेशन में आपका कोई इंपोर्टेंस और उसका वो है कि नहीं मेरी भी इंपोर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, उस फैमिली से उस क्लास से आप एस्केप करते हो, अब यही एस्केप कहां ले जाता है आपको, अल्कोहल की तरफ ले जाता है या ड्रग के तरफ ले जाता है या टोबैको, जो भी तुम्हारा ड्रग एडिक्ट है, ठीक है। और उसमें तुम्हारा क्या होगा, देखो सबसे बड़ी चीज इस एज ग्रुप में क्या होता है, तीन चीज आपका क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा होगा, एडवेंचर देखोगे, इसी एज ग्रुप का लड़का को मोटरसाइकिल दे दो रोड पे देखो कैसे चलाता है, लहरिया काट काट के जो चलाता है, ठीक है, हाईली स्पीड में चला देगा। तो क्या होता है इस एज में होता है, वो इस एज ग्रुप में होता है, उसमें एक्साइटमेंट रहेगा, तुम्हारा एडवेंचर रहेगा एक्सपेरिमेंट करने का। अब जैसे मान लो सब कुछ करो, एक एग्जाम्पल देते हैं, अब मान लो आप जिस ग्रुप में रह रहे हो उसमें से दो लड़का स्मोकिंग करता है, मान लो वो स्मोकिंग करता है और वो एक साल दो साल से वो स्मोकिंग कर रहा है। अब मान लो आपकी भी इच्छा होती है कि स्मोकिंग करो, मान लो कोई एक तीसरा आदमी कहता नहीं स्मोकिंग मत करो यार, इसे कैंसर होता है, इससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है। तो अब ये देखो ये लड़का उसको क्या जवाब देगा, अभी तो दो साल से पी रहा है, हाँ इसको छोड़ा है, क्या होता है ये भी उसके तुरंत मिल जाता है। तो ये आपका एज ग्रुप होता है। दूसरा इसमें फैक्टर क्या होता है, पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर भी होता है, मित्रों का प्रेशर, ठीक है। और इसी इसी सब के चलते क्या होता है लास्ट में वो चाइल्ड क्या होता है तुम्हारा, वो एब्यूज हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। अब वो एडिक्शन कहां लेके आपको जाएगा पता नहीं आप, क्लियर। तो थोड़ा सा ये ड्रग एब्यूज या एडिक्शन में तुमको पढ़ना था, थोड़ा देख लेना इसको। हेलो।